हमने हिंदी सिनेमा के बेहतरीन अदाकारों को दर्द के अंधेरे में देखा है, पर कुछ कलाकारों की किस्मत इतनी बुरी थी कि उनके लिए अपनों के साथ दुश्मन भी रो पड़ते थे। मीना कुमारी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। समय के साथ इंसान बातों को भुला देता है, कभी कभी इंसान किसी का अस्तित्व भी भुला देता है। मीना कुमारी ऐसी अभिनेत्री हैं जिनकी याद से आज भी आंखों में आंसू आने लगते हैं। पर प्रसिद्ध लोगों के जीवन में अफवाहों का खेल भी खूब चलता है। कुछ जानकार ये भी बताते हैं कि मीना कुमारी से ज्यादा बातें महज सिर्फ अफवाहें थी। इस मामले में सबसे बड़ा खुलासा करने वाले इंसान खुद कमाल अमरोही के बेटे ताजदार अमरोही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी अनामिका। स्वागत है आपका अपने चैनल में, जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। फिल्म जगत में कमाल अमरोही के बेटे ताजदार बड़े सक्रिय रहते हैं। वे इस बात का दावा करते हैं कि उनके पिता और मीना कुमारी के रिश्ते को लेकर कुछ लोग गलत अफवाहें फैलाते हैं। उनके अनुसार कमाल अमरोही मीना कुमारी से बेहद प्यार करते थे और मीना कुमारी भी उनसे बहुत प्यार करती थी। आपको बता दूं कि ताजदार मीना कुमारी के बड़े करीबी थे, बजाय इसके कि वे उनके सौतेले बेटे थे। ताजदार मीना कुमारी को छोटी अम्मी पुकारते थे। मीना कुमारी को लेकर सबसे पहली बात ये है कि वे शराबी हो चुकी थी। ताजदार के अनुसार दूसरे लोग मीना कुमारी को घटिया किस्म की शराब पिलाते थे। मीना कुमारी इतनी भोली थी कि किसी के भी बातों में आ जाती थी। ताजदार जब भी मीना कुमारी को शराब पीते हुए देखते थे तो उन्हें बड़ा गुस्सा आता था। वे मीना कुमारी को शराब पीने से रोकते भी थे, पर वो किसी की नहीं सुनती थी। अपने जीवन के अंतिम चरण तक उन्होंने शराब नहीं छोड़ी। एक दिन मीना कुमारी घायल होकर गिर गई, जिससे उनके माथे पर 3 टाके लगाने पड़े। जब ये खबर दूसरों को पता चली तो गली गली में बात होने लगी कि कमाल अमरोही मीना कुमारी को मारते हैं। शूटिंग करते वक्त लोगों की नज़र उस जख्म पर पड़ती थी। तब भी फिल्मकारों को लगता था कि कमाल अमरोही ने उन्हें मारा है। इस तरह की अफवाह ताजदार तक पहुंचती थी तो वे मीना कुमारी से कहते थे कि आप लोगों को बताती क्यों नहीं कि ये चोट कैसे लगी, लोग अनाप शनाप बातें लिख रहे हैं। इस पर मीना कुमारी ने कहा कि वो लोगों को सच्चाई बताने की कोशिश करती हैं, पर लोग उनके बातों पर यकीन नहीं करते। असलियत क्या है ये कोई बता नहीं सकता, पर ताजदार कहते हैं कि उस वक्त कमाल अमरोही मीना कुमारी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते थे और यही उनके प्यार की निशानी थी। अगर दोनों के बीच तनाव होता तो मीना कुमारी उनके बच्चों को भी अपने से दूर रखती, पर उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। ये बात हर कोई जानता है कि कमाल अमरोही और मीना कुमारी के बीच तलाक हो चुका था। इस पर ताजदार अमरोही हमेशा से खामोश रहते हैं, पर वे इस बात को खारिज करते हैं कि मीना कुमारी और कमाल अमरोही के बीच कोई दर्द का अफसाना था। जीवन के पड़ाव में मीना कुमारी कमाल अमरोही से नाराज थी। तलाक तथा अलग रहने का फैसला भी मीना कुमारी का था। इस पर कमाल अमरोही ने कोई सवाल नहीं किया, पर अलग होने के बाद भी दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। उनका मानना था कि परिवार की समस्या को चुप रहकर सुलझाना आसान होता है। मीना कुमारी की जिंदगी की राह में कुछ ज्यादा ही तकलीफें सजी थी। उनके पास बेहद सारे पैसे थे। वे जब भी कमाल अमरोही को मुसीबत में देखती थी तो उन्हें पैसे दे देती। उन पैसों से कमाल अमरोही ने पाकिजा की शूटिंग पूरी की थी। अपने जीवन के अंत समय में मीना कुमारी के पास सिर्फ 100 रुपये बचे थे, जिससे उनका इलाज होना असंभव था। जिन जिन लोगों को मीना कुमारी ने पैसे दिए थे उन्होंने कभी पलटकर मदद भी नहीं की, पर ख्वाजा अहमद अब्बास जैसे फिल्मकार थे जिन्होंने मीना कुमारी के दरियादिली को भुलाया नहीं था। 31 मार्च 1972, इलाज के दौरान कमाल अमरोही सूटकेस में रुपए लेकर अस्पताल में बैठे रहे। विदेश से डॉक्टर और इंजेक्शन मंगवाए गए, लेकिन मीना कुमारी का रोल इस जिंदगी के रंगमंच पर समाप्त हो चुका था।
मीना कुमारी अब इस दुनिया में नहीं रही, ये सोचते हुए कमाल अमरोही अस्पताल के किसी कोने में बैठे रहे, नजर झुकी हुई और खामोश चेहरा, बेहद कुछ बयान कर रहा था। मुझे एक गाना याद आया है, विजय आनंद और जया बच्चन की एक फिल्म थी जिसका नाम था कोरा कागज। इस फिल्म की कहानी भी मीना और कमाल के रिश्ते को बयां करती है। इसी फिल्म का एक गीत है जिसके बोल कुछ इस तरह हैं, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया, हवा का झोंका आया टूटा डाली से फूल, न पवन की न चमन की किसकी है ये भूल। तो मैं थी आपकी अनामिका, मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।